नमस्कार। सबद निरंतर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कश्मीरी के सुख्यात लेखक प्राण किशोर के उपन्यास बर्फ़ पर बने पदचिन्ह पर। तो आइए इस बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी से। नामवर जी, ये हिंदी अनुवाद आया है कश्मीरी का, और मुझे लगता है कि उपन्यास की एक सार्थकता इसमें भी है कि वो एक खास समाज और एक खास संस्कृति को पूरी तरह से चित्रित कर हमारे सामने रखे, तो इस दृष्टि से एक बहुत ही सफल उपन्यास है। निश्चित रूप से मेरे लिए ये बहुत ही प्रीतिकर आश्चर्य का विषय है कि कश्मीरी में लिखे हुए हिंदी में अनुदित ये पहला लघु उपन्यास पढ़ने को मिला जी। जिसके मूल लेखक तो प्राण किशोर जी हैं और हिंदी अनुवाद किया है रफीक मसूरी साहब ने। बहुत अच्छा अनुवाद है और अनुवाद बहुत अच्छा है और वो स्वाद मूल का मिल जाता है। जहाँ कश्मीरी शब्दों को रखना चाहिए वहाँ कश्मीरी शब्दों को रखा है उन्होंने। ये उपन्यास छोटे छोटे लगभग 26 अध्यायों में विभक्त है और दो कबीले कश्मीर में, केवल कश्मीरी पंडित ही नहीं रहते हैं बल्कि कबीले बहुत से रहते हैं। कबीलाई लोग ही हैं जो बाद में धर्म, वो इस्लाम स्वीकार किया जिन लोगों ने। और ये दोनों कबीले जो हैं, एक गुजर कबीला है और दूसरा जो है वो बकरवास है जी। तो इन दोनों कबीलों के जीवन की कहानी कही गई है। एक परिवार है वो है राज वली खां और रेशमा उसकी पत्नी है, कमरू उसका बेटा है और परिवार का ही अंश एक कुत्ता है जिसका नाम पाशा है। तो एक छोटे से परिवार की कहानी, उनके दुख सुख की कहानी चलती है। और चूँकि प्राण किशोर जी बलाय सहनी से जो कि नाटक तो लिखते ही थे, फिल्में भी बाद में गए, और ये स्वयं सच पूछिए तो इसकी भूमिका जो लिखी गई है उस भूमिका में प्राण किशोर जी ने लिखा है कि हम लोग एक फिल्म बनाना चाहते थे और फिल्म वो पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन उसके अनुभव का जिक्र उन्होंने किया है प्राण किशोर जी ने। और ये लघु उपन्यास, जैसा मैंने कहा कि दो कबीलों के जीवन के बारे में, छोटे छोटे सुख दुख के जीवन के बारे में होते हैं कहानी में, कोई बहुत जिसको कहें कि एक परिवार की बहुत नाटकीयता नहीं है और नाटकीयता नहीं, लेकिन जो वहाँ की एक विशेषता है कश्मीर की, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के अलावा बाकी जो कबीले वहाँ पर थे, जिन लोगों ने आगे चलकर इस्लाम को स्वीकार किया, लेकिन वो अपनी कबीलाई संस्कृति को भी बचाए हुए रखे पूरी तरह से, आज भी बचाए हुए, इसलिए कश्मीर विशिष्ट है आज भी। तो उस दृष्टि से गुजर बहुत महत्वपूर्ण है कबीले के रूप में वहाँ। उसका उदाहरण है कि शुरू में ही मदन जी वो लोग भूखे पड़े थे, कोई खाना वाना मिल नहीं रहा था जी। तो उस आदमी ने, जो जनजाति का आदमी है, उसने कहा कि आप रुकिए, हम ले आते हैं अपने घर से। हाँ, वो करते हैं और फिर वो करते हैं, खाना बना करके ले आए, ले लोग पेट में खूब चूहे कूद रहे थे, इंतज़ार करते रहे और फिर भर पेट जो ठेठ कश्मीरी खाना होता है उन लोगों को प्रेम से खिलाया और खिला करके यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो ये आत्मीयता जो उस समाज की है, और निम्न वर्ग के लोगों में, बड़े संपन्न लोग नहीं हैं, तो इसलिए दो कबीलों की जैसी ज़िंदगी होती है, छोटी छोटी ज़िंदगी, अपने बच्चे की फिक्र करना, पत्नी की फिक्र करना, खाना कैसे बनेगा, कैसे रहेंगे, तो जीवन में घटनाएं कोई बड़ी। और फिर प्रकृति का भी संकट वहाँ, हम प्रकृति को बाहर के लोग तो सिर्फ सौंदर्य के रूप में देखते हैं, लेकिन जो वहाँ रहता है वो वहाँ के संकटों को भी झेलता समझता है, तो उस दृष्टि से भी इसका एक महत्व है। कथानक कोई बहुत चौंकाने वाला और एक जो उपन्यासों में पाया जाता है वो नहीं है, नाटकीयता नहीं है कहीं, सीधे सपाट ढंग से जैसे एक नदी बहती है उस तरह से बहते हुए दिखाया गया है। एक हिस्सा हम इसका देख लेते हैं, उससे अंदाजा लगेगा खास तौर से कि भाषा और व्यक्ति वो जो गद्य है। मैं दाद दूंगा अनुवादक को, मसूदी को, कि उन्होंने इतना अच्छा गद्य, सुसंस्कृत बिल्कुल मिलेगा पढ़ करके, आप प्रीतिकर आश्चर्य होता है। धुंध दो टुकड़ों में बट गई,
एक टुकड़ा धीरे धीरे आकाश की ओर ऊपर गया और पहाड़ियों के शिखरों से टकरा कर बिखर गया तथा दूसरा उसी पहाड़ी के दामन का आलिंगन करके सिमट गया। जैसे जैसे पहाड़ियों के पीछे सूर्य देवता अपना मुख प्रकट करते गए तैसे तैसे धुंध हल्की होती गई तथा चारों ओर रोशनी अपना जादू बिखेरने लगी और उन स्थानों को अपने प्रकाश से नहलाती गई जो अभी कुछ समय पहले अंधकार में छिपे बैठे थे। देवदारों के पीछे 30 या 40 गुजर डोके एक दूसरे से सटे दिखाई दे रहे थे। देवदार के वृक्षों की श्रृंखला जैसे इस बस्ती के प्रहरी खड़े थे और किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जब धुंध घटनी आरंभ हुई थी तब वो गांव स्वप्न माया का एक टुकड़ा जैसा लग रहा था। लंबे स्वप्नों से कटकर उस क्षण चारों ओर खामोशी और शांति ने अपना घेरा डाला हुआ था जो किसी का भी मन मुग्ध कर सकता था। हरसू खामोशी छाई थी। धुन देवदार और कायरू के वृक्षों से लिपटकर ऊपर नीचे हो रही थी और इधर धूप फैलते ही पूरा गांव उसमें नहा गया था। हर वस्तु झलक रही थी। प्रातः की सुनहरी धूप में हर चीज स्वर्णमय लग रही थी। उन सब में एक गुजर डोका स्पष्ट और नुमाया दिखाई दे रहा था जो गांव के अन्य डोकों से हटकर थोड़ा ऊंचाई पर था। ये डोका जैसे एक संतरी सा खड़ा रक्षा का कर्तव्य निभा रहा था। खिड़की खुली थी और आंगन में इसी खिड़की के नीचे गुजरों के रेवड़ की रक्षा के लिए एक विशेष कुत्ता अपना शरीर पसारे बैठा था। कहीं दूर मुर्गे ने आजान दी। सुनते ही उसने अपना शरीर आगे पीछे खींचा और झटकता हुआ खड़ा हो गया। अपना सर खिड़की पर रखा और हल्की हल्की आवाजें करने लगा। जागो भोर भरे, उसकी आवाजों का यही अर्थ निकाला जा सकता था। इस गद्य में जो लालित्य है प्रकृति का वर्णन है। यह शुरू ही जहां से होता है कि धुंध दो टुकड़ों में बट गई है। एक टुकड़ा धीरे धीरे आकाश की ओर ऊपर गया और पहाड़ियों के शिखरों से टकराकर बिखर गया और दूसरा उसी पहाड़ी के दामन का आलिंगन करके सिमट गया। इस तरह से आप देखें उन पहाड़ियों का सूर्य देवता का आना एक पूरा कश्मीर जो गतिशील बिंब है। मतलब जी बिंब के भीतर भी एक डायनामिज्म है जिससे प्रकृति की आंतरिक गतिशीलता का पता चले। इसलिए कश्मीर जो सौंदर्य के लिए जाना जाता है सौंदर्य लोक कहा जाता है उसकी झलक इस वर्णन में मिलती है। प्रकृति के वर्णन में हर जगह जहाँ देवदार के वृक्षों की जो श्रृंखला है वो जैसे इस बस्ती के प्रहरी की तरह खड़े थे। किसी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जब धुंध छटनी आरंभ हुई तब वो गांव स्वप्न माया का एक टुकड़ा सा लग रहा था। इसलिए सौंदर्य भी है जीवन के यथार्थ चित्र भी हैं। लंबे स्वप्नों से कटकर उस क्षण अंत करते हैं कि चारों ओर खामोशी और शांति ने अपना घेरा डाला हुआ था जो किसी का भी मन मुग्ध कर सकता था। मैं इस अनुवाद की तारीफ करूंगा। बहुत अच्छा। मूल कश्मीरी कैसी होगी वो तो कश्मीरी वाले कश्मीरी जानते होंगे, जानने वाले ही जान पाएंगे। लेकिन जैसी अच्छी हिंदी में अनुवाद किया गया है इस अनुवादक को दाद देना चाहिए। निश्चित रूप से जब कोई चीज भाषा में अनुवाद होकर आती है तो अनुवाद भी एक सृजन ही है। जी जी। और इस दृष्टि से हम देखें तो इस बात का बहुत महत्व होता है कि कैसा अनुवाद हमारे सामने है। सामान्य जन की चित्र और उनका जो चरित्र खुल करके आता और उनकी है। उनकी संस्कृति भी परंपरा भी रीति रिवाज भी सब कुछ है और जीवन संघर्ष ये सब है। इसलिए कश्मीर के नाम पर जो लोग एक सौंदर्य लोक की को देखना चाहते हैं उसके बरक्स उस सौंदर्य में
जो यथार्थ जीवन है मनुष्य का, रोज़मर्रा का जीवन है, छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको देखा है। अच्छा काम इन्होंने किया है कि जहाँ जहाँ कश्मीरी अच्छा, शब्द बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा। मुझे एक चीज़ बात याद आ रही है कि जिस तरह से अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी लेखक अपने समाज को अपने खास समय में अपना उनका जो समाज होता है उस समाज का बहुत गहराई से चित्रण करते हैं, पूरी अस्मिता को रेखांकित करते हैं। हम उनकी बहुत चर्चा करते हैं अंग्रेजी अनुवाद में, वो स्पेनिश में लिखा हो तो अंग्रेजी अनुवाद के कारण भी और हिंदी अनुवाद में भी, लेकिन हमारे देश में भी ऐसी कृतियां लिखी जा रही है महत्वपूर्ण, इस पर कम ध्यान जाता है। इस दृष्टि से किताब का साहित्य अकेडमी ने प्रकाशित करके अकादमी द्वारा पुरस्कृत है, साहित्य अकादमी ने एक महत्वपूर्ण अनुवाद के क्षेत्र में नया मानक स्थापित करने की कोशिश की है, जिसके लिए मूल लेखक तो प्रशंसा के पात्र ही, वो बहुत ही वरिष्ठ हैं क्योंकि वो तो बल्लाय साहनी के साथियों में से थे और सीरियल भी बना है उनके उपन्यास पर, गुल गुलशन गुलफाम नाम से एक सीरियल यहाँ चल चुका है और फिर फिल्में भी बनी है, कहानियों पर बनी है। तो इस तरह से वो बड़े लेखक तो हैं ही, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस लेखक की एक बहुत ही अच्छी कृति को इतनी अच्छी भाषा में हिंदी में प्रस्तुत करना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी। इसके लिए निश्चित रूप से अनुवादक को हार्दिक बधाई देनी चाहिए। और आपने इसको रेखांकित किया तो आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।